आज हम उदर रोग के विषय में लेकर के अगला आसन लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में आपने शशक आसन देखे थे, तो आज हम गौमुख आसन बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बैठने का तकनीक है, सबसे पहले अपने एनस द्वार को बंद करते हैं। इसमें देख सकते हैं पीछे से ऐसे आपके बायां पैर को पीछे ले जाएंगे और एनस द्वार को बंद करके बैठेंगे। ऐसे एनस द्वार को बंद करके आपके बायां पैर में बैठेंगे, गुदा द्वार को, मल द्वार को और राइट वाले पैर को उसके ऊपर, ये पोस्चर होते हैं गौमुखासन के। बैठने का सही विधि का बैठने का ऐसे बायां पैर में ऐसे बैठें और राइट पैर को उसके ऊपर ले जाते हैं। ऐसे बैठेंगे और जो पैर आपके नीचे है वो हाथ आपके नीचे जाएंगे और जो हाथ आप पैर ऊपर है वो हाथ आपके ऊपर जाएंगे। मतलब लेफ्ट पैर आपके नीचे हैं तो राइट पैर ऊपर है तो राइट हाथ आपके पीछे जा, तो ऐसे आपको लगाना है। अगर आप किसी योग साधक का हाथ नहीं पकड़ा रहा है तो अपने साथ रुमाल होता है या नेपकिन होता है या कोई कपड़े होते हैं, उस कपड़े से आप पीछे को पकड़ लेंगे और कोशिश करें जितना ज़्यादा आप सिर को स्थिर रखेंगे और हाथों को सीधा रखेंगे उतना ज़्यादा आपके चेस में दबाव बनेंगे। और जिनका दबाव बनने के साथ ही साथ जिनका मन चंचल रहते हैं, स्वप्न दोष रहते हैं, शीत पतल होते हैं और जिनकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाते हैं, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाते हैं और इसमें हमारे पंच इंद्रिय वश में रहते हैं, जिनको पाइल्स की समस्या है, पोस्टेट की समस्या है और साथ ही साथ हाइड्रोसिल की समस्या रहते हैं, उनके लिए फायदेमंद रहते हैं। और साथ ही साथ जो बहनें हो या भैया हो, उनको यवन संबंधी समस्याएं रहते हैं, उसमें लाभ मिलते हैं। तो लगातार आप कपालभाति के आसनों के साथ करेंगे, एक बंद और कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, बाह्य प्राणायाम का मूल बंद लगा सकते हैं। एनस द्वार को ऊपर की ओर खींच कर रखेंगे और लगातार कपालभाति करेंगे तो एक आसन के साथ दो प्राणायाम होता है। पहला तो गौमुख आसन हमने लगाए हैं और उसके बाद फिर श्वास भर करके, श्वास छोड़ करके गुदा द्वार को, एनस द्वार को, मल द्वार को ऊपर की ओर खींच कर रखें, ये बाह्य प्राणायाम का मूल बंद होता है। और दूसरा हम कपालभाति कर रहे हैं, ये आपका दूसरा प्राणायाम। तो दो प्राणायाम और एक आसन आपके लगते हैं, तो लगातार आप ऐसे कर सकते हैं जिससे आपके शरीर के साथ साथ आपके विकास हो और आपके चंचल मन जो हमेशा चंचल रहते हैं, क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ा पर रहते हैं, मन शांत नहीं रहते हैं, मन इस आसन करने से मन शांत हो जाते हैं। तो निश्चित ही गौमुख आसन को करेंगे। भारत में गाय को गौ माता बोला गया है, वैसे ही जो गौ माता एकदम शांत रहते हैं वैसे भी आपकी आचरण भी शांत हो जाएंगे और एक सदाचार व्यक्ति और सर्वांगीण विकास आपके शरीर में दिखाई देंगे। तो निश्चित ही आप इस आसन को करिए और अपने जीवन को एक नए परिवर्तन के साथ आगे बढ़िए। तो आप सभी देशवासियों को मेरे जय प्रताप साहू यूट्यूब चैनल में स्वागत है और निश्चित ही आपका स्वागत, हमारा प्रयास, हमारा योग और आपका सहयोग के भावना से वीडियो बना रहे हैं, तो निश्चित ही आवश्यकता व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप निश्चित ही इस कार्य में आप सहयोग दे रहे हैं और मुझे हर्ष के साथ बोल रहा हूँ कि आपका प्यार दुलार और मैं आपसे मिल रहे हैं और आगे भी मिले ऐसे प्रयत्न करता हूँ। निश्चित ही आप इस कार्य को सफल बनाएंगे। ओम जी, धन्यवाद।